चिल्ड्रन चिल्ड्रन हमने लास्ट पैराग्राफ पे स्टॉप किया था अब नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं थिंक आई एम जोकिंग वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समाइम क्या तुमको लगता है मैं जोक कर रहा हूँ? ठीक है तो तुम वेट करो मैं कभी तुमको ये साबित करके दिखा दूँगा दिखा दूंगा इट्स क्लियर यू डोंट नो थिंक अबाउट हिस्ट्री और ये क्लियर है कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं हैव नॉट हैवेंट बीन टू महाबालीपुरम क्या तुम कभी महाबालीपुरम नहीं गए हैव यू क्या तुम कई गए हो ही सेट मिस्टीरियसली मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यमय तरीके से उसने पूछा वेल वेन अवर क्लास वेन टू महाबालीपुरम आई सॉ ए स्टेच्यू ऑफ ईस तथा तथाश 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसने बोला कि जब हम महाबालीपुरम गए थे तब हमारी क्लास गई थी तब हमने तथा का आ, तथा तथा तथा, तथा एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसने बोला हमने वहाँ पे देखा था स्टैचू फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज़ ए डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट तो ये फैक्ट है ये सच है कि महेंद्रन जो है वो उन्हीं की डिसेंडेंट है वो जो स्टैचू था उनकी ही डिसेंडेंट uh, है फ्रॉम दैट डिसेंडेंट मीन्स डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम यानी उसी फैमिली से रिलेटेड uh, है ये द सेम फैमिली से अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लाइन और क्लोज रिलेटिव है जो साइंटिफिकली बोला जाता है कि लाइन लाइन की फैमिली से रिलेट करते हैं द पल्लव लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी और पल्लव लाइन जो है वो एक एम्बलम है पल्लव डायनेस्टी का रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिट्टर बैरी बुश और रवि चलता रहा वॉकिंग चलता रहा वहाँ पे बिट्टर बैरी बुश के पास में और वेविंग अ ट्विक अप एंड डाउन और अपनी ट्विक को अप एंड डाउन करता रहा वो इन हीज आई स्पार्कलिंग और उसकी आई स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग में चमकती हुई आँखों से दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट और उसने क्या बोला कि ये कैट जो है वो एक आ, कोई और नहीं लेकिन महाबलीपुरम ऋषि कैट है इन एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशियट इजिप्ट और मैं तुमको एक बात रिमाइंड करवा दूँ कि एनशियट इजिप्ट जो है इजिप्ट एक कंट्री है तो इजिप्ट में एनशियंट में मीन्स बहुत सालों पुरानी बात है कि लोग जो थे वो कैट्स को वर्शिप करते थे हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज वॉय ओन वॉइस मीना एंड मिडू एक्सचेंज लुक्स तो मीना और मिडू uh, ने अपना लुक एक्सचेंज किया और बोला कि हाओ ही लव द साउंड ऑफ हीज़ ओन वॉयस अपना खुद का आवाज़ उनको कैसे पसंद होगा वट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग मिडू डिमांडेड और मिडू ने बोला कि वट डज देट हैव टू डू ऐसा क्या करना हो, होगा कि हैव टू डू विद एनी थिंग किसी भी चीज़ के लिए ह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड नो गोड इज बेस्ट बेस्ट एट यू दैट्स इट और उसने बोला कि अरे मैं तुमको बोल तो रहा हूँ कि ये कैट uh, की डिसेंडेंट है इजिप्ट से और इजिप्ट uh, के गॉड से कोई गॉडेस नहीं बेट करके उसने उसको बोला दैट्स इट और बोला अब ख़त्म सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस इज़ गॉडेस वॉज ए स्टो स्टोवे इन वन ऑफ द पलऑफ शिप्स एंड हीज़ डिसेंडेंट्स वॉज द महाबालीपुरम ऋषिकैट whose डिसेंडेंट इज़ Ravi flourished his ट्विक एट महेंद्रन एम पी पुनई हियर होप एक ही स्ट्रीड वेरी प्लीस्ड विथ हिमसेल्फ तो उसने बोला थी कि वन ऑफ द डिसेंडेंट जो है वो उस कैट गॉडेस का जो है वो है पल्लवी पल्लव शिप्स जो है वो और उनका जो डिसेंडेंट है वो है महाबालीपुरम ऋषिकैट उस डिसेंडेंट इज़ तो उसके डिसेंडेंट कौन हैं रवि ने फिर क्या किया उसकी ट्विक को फ्लरिश करके बोला महेंद्र uh, की तरफ एम पी पुनाई हेयर और बोला एम पी पुनाई हेयर uh, हुप इक श्रेग्ड और वो चिल्लाने लगा वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ वो अपने आप को बहुत प्लीज्ड uh, फील uh, कर रहा था महेंद्रन लुकड लुक्ड अप अलार्म्ड ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉस ऑन द ऑफ द कोकोनट शेल महेंद्रन जो थी वो किटन जो थी वो अलामड होने लगी और वो क्या करने लगी अपने क्लॉज जो थे अपने नाखून जो थे वो शार्पन करने लगी ऑन द एड्स ऑफ द कोकोनट शेल कोकोनट शेल के एड्स पे बट वॉट्स देन रवि ऑफ फुल हुप एक वॉज अ क्रिच और, और रवि जो था वो बहुत ही ऑफुल होने लगा और एक वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई फ्रॉम द विंडो वॉट ए वियर्ड साउंड इफ मिल डू वो उसने बोला कि ये आवाज़ कैसी है वियर्ड साउंड अजीब सी आवाज़ कैसी है एम पी पुणे वॉज फ्राइटन आउट ऑफ़ हिज विथ्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड करीड टूवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज़ दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ मियाओ मिया ही हॉल्ड मिजरेबली तो उसने क्या किया जब ऐसी आवाज़ सुनी तो वो जो किचन जो थी उसने क्या किया एक बैम्बू ट्रे में रखी हुई थी रेड चिलीज वहाँ पे वो ड्राई करने के लिए रखी थी सुखाने के लिए रेड चिलीज रखी थी उसके ऊपर वो जाकर जंप करने लगी और वहाँ पे वो छुप अंदर जो चिलीज रखी थी उसके अंदर बिनी थी यानी अंदर उसके छुपने की कोशिश कर रही थी हाइड करने हाइड होने की क्रिकिंग द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन वॉट्स दैट नो से डू और वो आवाज़ आती रही आती रही क्रीचिंग की तो मिर्डो ने बोला कि कैसी आवाज है दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि रवि ने चिल्लाकर बोला ग्रंटेड करके बोला कि वो लाली है और लाली वायलिन सीख रही है उसकी आवाज़ है शी विल नेवर लर्न ए थिंग द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग विद प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लालीज ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक तो रवि uh, क्या बोलता है कि मेरी सिस्टर जो है वो वहाँ पे क्या सीख रही है लाली वायलिन सीख रही है और वो कभी कुछ भी नहीं सीख पाएगी वायलिन कभी भी नहीं सीख पाएगी और उसका जो म्यूज़िक मास्टर है वो इस टाइप से वायलिन जो उसको प्ले कर रहा है जैसे कि कोई ट्रेन से आवाज़ आ रही हो विजलिंग होने की और लाली जो है वो हमेशा वो जो सिखाते हैं उससे अलग ही रास्ते पर होती है वो उसको सही से बज, वायलिन को प्ले करना भी नहीं आता सो so, चिल्ड्रन ये हमारा पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट हुआ कॉम्प्रीहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद आंसर्स टिल देन कीप वाचिंग गुड बाय